आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बोर्ड पे कि लिखा हुआ टॉपिक का नाम ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो है आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे आज लास्ट क्लास में, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी ट्रांसफार्मर को जो है डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते या डीसी सप्लाई पे क्यों नहीं लगाते। ठीक है, ये हमारा जो आज का क्वेश्चन हो गया था आप देख सकते हो वीवीआई करके मैंने लिख के दिखाया है। बहुत बार एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा गया ये सवाल कि ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते या डीसी सप्लाई से क्यों नहीं चलाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे हम लोग डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले बताना है आपको एक चीज इम्पोर्टेंट कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल करते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। तो क्यों पड़ती है, तो कारण यह है कि पहले तो जानते हैं पैरेललिंग होता क्या है। ठीक है, तो सब पैरेललिंग वर्ड आप सुनते हो पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है कोई जो दो साथ साथ चले, मतलब दो क्वांटिटी जब साथ साथ चलती है उसको पैरेललिंग कहते हैं। क्लियर है, उसको क्या कहते हैं, पैरेललिंग कहते हैं। तो चाहे वो पैरेललिंग आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आप बोलो कि पैरेलल मतलब आप जो रेलवे ट्रैक देखते हो, रेलवे ट्रैक क्या है, पैरेलल में चलता है, क्या है, रेलवे ट्रैक पैरेलल में रहता है आप देखोगे। या फिर कोई पेड़ को देखो जो रोड के किनारे किनारे लगा होता है, क्या होता है, सीक्वेंस में वो रहता है ना पैरेलल। तो ये पैरेलल वर्ड यही से है। तो पैरेललिंग करने की आवश्यकता पड़ती क्यों है ट्रांसफार्मर में, तो आप जो कोई जगह पे देखो छोटे छोटे घरों में या फिर आप जाके देखो एक कॉलोनी में क्या होता है कि अगर हमारा जो पावर का खपत हमारा जो वहां पे ट्रांसफार्मर लगाया करते 10 KVA का लगा हुआ है 10 KVA का, और हमारा जो लोड जो है वो 15 KVA आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा उस हालत में, क्या होगा, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग गर्म होगा, और गर्म होने के कारण क्या हो सकता है, उसका वाइंडिंग जल सकता है, वो हो सकता है कारण। तो करते क्या है, तो उसी पावर का 10 KVA का जो है आप क्या करते हैं एक और ट्रांसफार्मर उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो उससे फायदा क्या है, उससे फायदा है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता रहता है मेरा, और आपका जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई तो मिलेगा ही, और क्या होगा कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे एक ट्रांसफार्मर आपका अगर खराब हो गया तो क्या होगा दूसरे ट्रांसफार्मर से आप सप्लाई दे सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ये पता चल गया होगा आपको कि ट्रांसफार्मर का पैरेललिंग होता क्या है या क्या बोलते हैं। तो एक बार फिर रिपीट करूंगी आपको कि जब हमारा जो है ट्रांसफार्मर कम पावर मतलब 10 KVA का और मेरा खपत जो है लोड जो है क्या हो गया 15 KVA, तो क्या कर सकते हैं वहां पे अपना ट्रांसफार्मर जो 10 KVA उसको रिमूव तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत जनरेटर उसमें क्या करेंगे उसी वैल्यू का एक ट्रांसफार्मर जो है उसके बगल में लगा लेंगे और हमारा जो लोड के अनुसार वो काम करेगा किस तरह, तो वह पैरेललिंग करके। ठीक है, तो पैरेललिंग करने के लिए जो है कुछ जो है आवश्यकता है वो पूरी करनी होती है। ठीक है, तो दोनों ट्रांसफार्मर में जो है अगर पैरेललिंग हमको करना है तो करने के लिए जो है कुछ नियम दिए गए उसको हमको फुलफिल करना जरूरी है। पहला है आपका फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस होता क्या, तो फेज सीक्वेंस जो है मेरा RYB आप सुने होंगे, मेरे पहले वाली क्लास में भी आप देख रहे हो कि RYB क्या है, रेड येलो ब्लू। ठीक है, ये क्या है, फेज सीक्वेंस है। तो मतलब क्या, अगर इस ट्रांसफार्मर का इस वाला ट्रांसफार्मर 1 है, ये वाला ट्रांसफार्मर 2 है, तो इनका जो RYB है RYB, ठीक है, इस वाले के RYB के साथ ही मैच करना चाहिए। ठीक है, इस वाले RYB के साथ ही मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा सेम जो आपका फेज सीक्वेंस हो गया। ऐसा नहीं है कि आप इसका वाला जो फर्स्ट वाला ट्रांसफार्मर का R इसके Y के साथ मिला लो, नहीं, यहाँ क्या होगा दोनों का फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। सेकेंड हमारा है वोल्टेज रेशियो। जब आप पढ़े होंगे मेरा पहला प्रीवियस वाला क्लास, ठीक है, उसमें मैंने बताया था आपका जो है वोल्टेज रेगुलेशन वाला, सॉरी आपका जो बताया था मैंने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो ये जो है वोल्टेज रेशियो ये इसी पर डिपेंड करता है। होता क्या है इसमें, तो आप देखो सिंपल सा, मैंने बताया था पहले ही EP/ES इज इक्वल टू NP/NS। तो ये क्या है, ये क्या है, एक तरह का क्या है वोल्टेज रेशियो, क्या है वोल्टेज रेशियो। क्लियर है, ये क्या दिखा रहा है, प्राइमरी वोल्टेज बटा सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी टर्म बाय सेकेंडरी टर्म, ये वोल्टेज रेशियो है। आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। सेम पोलैरिटी का मतलब हो गया, सेम पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया कि सेम पोलैरिटी का मतलब हो गया कि दोनों जो ट्रांसफार्मर है उसकी ध्रुवता क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ध्रुवता क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो सेम वोल्टेज ड्रॉप, मतलब एक ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दूसरे वाले में भी सेम होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब जानते हैं ट्रांसफार्मर को जो पहले जोड़ने की आवश्यकता इतना टाइम से पड़ती है, मैं बता दिया कि ये तो एकदम कंपलसरी है, ये करेंगे तभी दोनों ट्रांसफार्मर को आप क्या कर पाएंगे, पैरेलल कर पाएंगे। अब इसका कनेक्शन भी होता है, कैसे कनेक्शन होता है, तो पांच टाइप का कनेक्शन होता है, कुल मिला के पांच टाइप का कनेक्शन होता है।
होगा वो सीरीज कनेक्शन होगा, दूसरा जो है वो पैरेलल कनेक्शन होगा, तीसरा होगा सीरीज एंड पैरेलल, और चौथा होगा पैरेलल एंड सीरीज, और पांचवा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, बूस्टिंग। क्या है? बूस्टिंग। यहाँ पे लिख के रखा है, मैंने देखिए यहाँ पे बूस्टिंग लिखा हुआ है। तो पांच तरह से कनेक्शन होता है। यार मैंने दो कनेक्शन को दिखाया आपको, उसको देख के आपको जो है क्लियर करना है कि कैसे सीरीज पैरेलल में क्या होगा, बस इन दोनों को जोड़ देना। आप फर्स्ट वाला फिगर में देख सकते हो ये क्या है, ये सीरीज का है। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भाग टूटा हुआ है, क्या है, यहाँ से इनपुट सप्लाई देने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ आउटपुट के लिए, ये किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, आप देख सकते हो। सेकंड वाला जो फिगर है वो दिखा रहा है मेरा पैरेलल को, और सीरीज पैरेलल करेंगे तो एक ये रहेगा पोर्शन, एक ये वाला सीरीज पैरेलल में, मतलब क्या सीरीज और पैरेलल, ये सीरीज पैरेलल, यहाँ पे सीरीज रहेगा, इसको उठा के यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा, वो पैरेलल दिखाएगा। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट आपका। अब आता है हमारा जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर को जो है डीसी सप्लाई में क्यों नहीं लगाते। तो मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर मैंने बताया था वैसा इलेक्ट्रिकल एसी स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज को ट्रांसफर करता है विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या कि वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, तो क्या वोल्टेज को अप डाउन करेगा, और आपका जो है जैसे ईएमएफ जनरेशन होता है, तो प्राइमरी में अगर हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू सेकेंडरी में चला जाता है, आपका वोल्टेज इंडक्शन रिड्यूस होने लगता है वहां पे। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है डीसी सप्लाई, और अब मैंने ये भी बताया आपको कि इसमें जो ये एसी डिवाइस है, डीसी जो है सप्लाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो कारण ये है कि डीसी सप्लाई में जो है ना करंट को रोकने के लिए सिर्फ रेजिस्टेंस होता है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, डीसी में जो है ना डीसी सप्लाई में करंट को सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रोकता है, ठीक है। लेकिन जब एसी में आप जाओगे ना तो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, ये तीनों जो है ये तीनों प्रतिरोध का ही रूप है। तो क्या मैंने बताया कि डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकने के लिए, लेकिन आप जब एसी में आओगे तो रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस, क्या रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस, ये तीनों को मिलकर जो है करंट को रोकते हैं। मतलब बता सकते हैं यूजुअली लैंग्वेज में कि करंट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? करंट को कंट्रोल करता है। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर हम लोग डीसी सप्लाई वहां पे देखें तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है उसके जलने का खतरा हो सकता है। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, डीसी सप्लाई ना लगाकर क्या लगाते हैं, एसी सप्लाई लगाते हैं। आई होप आपको आंसर मिला होगा, क्योंकि ये वाला जो है मैंने खुद भी अपने इंटरव्यू में जो है क्वेश्चन फेस, ये वाला जो है फेस किया था, ये मुझसे पूछा गया था, एचईसी में पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई क्यों नहीं लगाते या क्यों नहीं देते सप्लाई। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट आज का होगा टॉपिक वो है क्या, स्कूल कनेक्शन। स्कूल कनेक्शन बहुत सारे बुक्स में नहीं दिया हुआ है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि स्कूल कनेक्शन होता क्या। तो स्कूल कनेक्शन का मतलब होता है जहां पे तीन वाइंडिंग होना, जहां पे तीन वाइंडिंग हो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करके हम लोग दो वाइंडिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वो क्या कहला रहा है, स्कूल कनेक्शन कहला रहा है। क्या कहला रहा है? स्कूल कनेक्शन कहला रहा है। अब आता है ये तो स्कूल कनेक्शन हुआ, इसका यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो यूज करते हैं हम लोग वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं और विद्युत भट्टी में। सुने होंगे आप क्या चीज में बोला मैंने, वेल्डिंग में और विद्युत भट्टी में कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया आज का मेरा क्लास, आज का जो क्लास है वो लास्ट क्लास है हमारा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वाले क्लास में आपको जो है इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिल जाएंगे। सो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे।